हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर सो गुड। और आज सैटरडे है और आज मेरा प्लांट डे है, तो मैं प्लांट को स्पेशली आज मैं टाइम देती हूँ। तो मैंने कुछ प्लांट ऑर्डर किया था तो प्लांट आया है, सो मैं प्लांटिंग कर रही हूँ और आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं कैसे प्लांट का केयर करती हूँ और कैसे प्लांट प्लांट को कहाँ पे कैसे प्लांटिंग करती हूँ, क्या ऐड करती हूँ उसमें फर्टिलाइज़र। सो आइए चलिए और इन्जॉय कीजिए वीडियो। सो, ये मैंने मंगाया था तो सोयल साथ में आया है। अगर आपके पास है और सिर्फ प्लांट आपके पास है और सोयल नहीं है तो आप नॉर्मल सोयल लेके और उसमें एक सेल मिक्स करके या बनाना जो स्किन होता है उसको उसमें मिक्स करके और आप लगा सकते हैं। मैं मेरे पास ऑलरेडी सोयल लेके आया था गार्डनर, तो मैंने कुछ ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। हाँ, जिसमें मैंने अपना सोयल अपने पास से जो मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ प्लांट में, उसमें मैंने टी लीव्स जो चाय बनाते हैं और जो चाय हमारा बचता है टी लीव्स उसको मिक्स करके मिट्टी में और फिर मैं प्लांटिंग करती हूँ। तो आप या तो चाय का जो पत्ती होता है वो आप मिक्स कर दें मिट्टी में और फिर से आप प्लांट करें, या फिर आप अंडे का जो अंडे एग सेल होता है उसको आप क्रश करके सुखा के अच्छे से धो के सुखा के और उसके बाद उसको क्रश करके और मिक्स करके सोयल मिट्टी में और उसको आप प्लांट कर सकते हैं, प्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप केला जो है, हम केला खा के छील के फेंक देते हैं, फेंकना नहीं चाहिए, काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम होता है जो हमें जैसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है वैसे हमारे प्लांट को भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे चीज़ें उसमें होते हैं, तो आप उसको ना फेंक के आप उसको क्या करें कि पानी में पीसेस काट के पानी में रख दें और थर्ड डे के बाद आप उस वाटर को आप मिट्टी में मिक्स करके और आप प्लांट कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारा ऑप्शन है, अदरवाइज आप ऐसे ही उसको सुखा के क्रश करके और मिट्टी में मिक्स करके आप कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने इसमें मिक्स किया है, आज मैंने टी लीव्स टी चाय का जो चाय पत्ती का जो होता है चाय बना के मैं कलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं एक साथ मिक्स करती हूँ मिट्टी में और फिर मिट्टी रेडी करके मैं रखती हूँ। तो मैं उसका वीडियो बाद में आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी जो मैं प्लांटिंग कर रही हूँ उसमें ऑलरेडी चाय पत्ती मैं मिक्स करके चाय बना के जो हम छानते हैं वो चाय पत्ती मैंने मिक्स किया है और मिक्स करके और हम लोग प्लांटिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी इसमें है और कुछ प्लांट में मैंने एक सेल डाल के और ऐसे प्लांटिंग में करती हूँ और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी होता है और प्लांट ग्रो भी करता है, क्योंकि आप जब तक फर्टिलाइज़र नहीं देंगे प्लांट को तब तक प्लांट आपका ग्रो नहीं करेगा। सो सिंपल वे है, कुछ नहीं करना है और बस प्लांट मंगाइए और मिट्टी है तो मिट्टी में आप खुद फर्टिलाइज़र मिट्टी खुद तैयार कीजिए खाद वाला, अदरवाइज़ आप बाहर से ख़रीद के लाइए। लेकिन मेरा मानना है कि किचन में सारी चीज़ें हम लाइक प्याज काटते हैं तो उसका जो स्किन होता है उसको भी सुखा के हम फर्टिलाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। अंडा हम लोग घर किचन में यूज़ करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, तो उसका जो एक सेल हम फेंक देते हैं, इससे बेटर है कि उसको कलेक्ट करके सुखा के और उसके बाद उसका फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। देन बनाना लीव्स है, देन चाय पत्ती है, आप ये सारी चीज़ें मिक्स करके और प्लांटिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने एक शेल मिट्टी में ऑलरेडी मिक्स कर दिया है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, पानी में भी आप रख के और पानी भी डाल सकते हैं। सो आज मेरा सैटरडे है तो मेरा पूरा दिन आज मैं अपने प्लांट को देती हूँ। और ये देखिए मेरा प्लांट, मैं अभी ये मनी प्लांट लगा रही हूँ मिट्टी में। सो काफ़ी ज़्यादा पॉट यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये हैंगिंग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें मनी प्लांट लगा रही हूँ इस पॉट में। आप चाहे तो आप जिस टाइप का प्लांट लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऐसे तो मनी प्लांट पानी में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है और मिट्टी में भी ग्रो करता है, बट वास्तु के हिसाब से पानी में ज़्यादा अच्छा होता है मनी प्लांट लगाना। तो ये आज मेरा गार्डनिंग का डे है। सो चलिए इन्जॉय कीजिए और
देखिए वीडियो मैं कैसे प्लांटिंग कर रही हूँ और कैसे मैं घर का जो बॉटल है वो मैं यूज करके और अपना प्लांट और अपना घर यू नो ग्रीनरी कर रही हूँ और डेकोरेट कर रही हूँ।